गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल्स और लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार आपको मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए मेरे लेक्चर्स में, और इन दिनों 10th चैप्टर इंडियन एम्ब्रॉयडरी यानी भारतीय कढ़ाई कला हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज की जो कढ़ाई कला है, वो है कर्नाटक की कसूती और राजस्थान की कढ़ाई। दो एम्ब्रॉयडरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कर्नाटक की कसूती। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक की एम्ब्रॉयडरी जो कसूती है, वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। और इसका जो अर्थ है, का मतलब हाथ और सूती मतलब वस्त्र, तो हम कसूती को दूसरा एक और नाम देते हैं कि इसका एक और नाम है कशीदाकारी। कसूती मतलब कर्नाटक की कसूती यानी कर्नाटक की कशीदाकारी। कर्नाटक की जो कशीदाकारी है, वो सूती वस्त्र पर भी बनती है, चमड़े के जो मटेरियल है उस पर भी बनती है, और अन्य वस्त्रों या अन्य जो पदार्थ होते हैं उन पर भी कसूती बनाई जाती है। इस पर जो नमूने होते हैं कसूती पर, वो कर्नाटक की परंपरा के नमूने होते हैं, कर्नाटक की जो सभ्यता है, कर्नाटक की संस्कृति है, कर्नाटक के जो लोगों के व्यवसाय हैं, उन सब की झलक कसूती में दिखाई देती है। जब हम कसूती की एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो कसूती में हम डिज़ाइन नहीं छापते, उसमें धागों को गिनकर बनाया जाता है। जैसे 3 या 6 धागों को गिनकर एक इकाई बना ली, एक ही होती है ना, जिसको कि भाई इसको 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे एक ही करते हैं, वैसे ही इसमें 3 या 6 धागों की एक इकाई बना लेते हैं, और ऐसे इकाई बना के और फिर एम्ब्रॉयडरी चालू करते हैं। लेकिन जो इकाई आपने स्टार्टिंग में बनाई है 3 से 6 धागों की है, तो आखिर तक, एंड तक वही इकाई चलेगी, 3 धागे की या 4 या 5 या 6 धागे की। कोई चेंज नहीं होगा कि कभी कभी 4 भी ले सकते हैं, कभी कभी 8 ले सकते हैं, कभी 2, ऐसे नहीं है। या तो 3 लिए तो 3 ही 3 चलेंगे, 4 लिए तो 4 ही 4 चलेंगे। तो 3 से 6 जो भी धागों की एक इकाई बनाते हैं, और वो इकाई टिल एंड डिज़ाइन की, जब तक भी पूरा वस्त्र नहीं बन जाता तब तक वो एम्ब्रॉयडरी इसी इकाई के आधार पर गिन गिन कर चलती रहती है। एक और बात है कसूती में कि इसमें गांठे नहीं लगाई जाती। जब अपन एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो पहले कठान लगाते हैं, फिर मतलब कपड़े में से सुई को निकालते हैं धागे के साथ, तो इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं लगाई जाती। जो उल्टा बखिया होता है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में उल्टा बखिया के 1 या 2 वहीं हम टाके ले लेते हैं, जो दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। तो उल्टी बखिया के छोटे से धागे से 2 बार लेके और शुरू किया जाता है। इस पर डिज़ाइन नहीं छापी जाती। इसके जो टाँके होते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही छोटे और बहुत ही बारीक होते हैं। चूँकि बहुत छोटे और सूक्ष्म होते हैं, इसलिए जो इनको सुई चाहिए, वो सुई भी बहुत ही सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म होती है। इसीलिए जब हम धागों को गिन कर और जब धागे में से निकालते हैं उसको, तो 1, 2, 3, मान लो 3 की एक ही बनाई है, तो 3 धागे के बाद सुई निकलेगी। ऐसे नहीं कि वो जो धागा है धागे को फाड़ती हुई निकले, धागे को नहीं फाड़ेगी। एक धागा खिसकाया, 2 खिसकाया, 3 खिसकाया, और चौथे के आने के पहले जो छेद है, वीविंग के समय होता है ना, जो ताने होते हैं उनमें छेद, मतलब 1 ताना, फिर 2 ताना, फिर 3, तो 1 और 2 ताने के बीच में जो गैप है, तो धागे के बीच में से छेद करके नहीं निकलेगी, धागे 2 धागे के बीच में से ही सुई निकलती है। और बहुत ही सूक्ष्म सुई का इसमें यूज़ किया जाता है। कर्नाटक की जो कसूती होती है, वो 4 प्रकार की होती है, गवंथी, मुर्गी, नेगी और मेंथी। तो गवंथी जो कसूती होती है, गवंथी जो कशीदाकारी होती है, ये बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल होती है। सबसे ज़्यादा काम में इसी को लाया जाता है, क्योंकि इसमें दोहरे कच्चे धागे होते हैं, मतलब कच्चा टाँका लगा दिया जाता है 2 बार, और बीच बीच में बिंदी की डिज़ाइन कर दी जाती है, और वो जो है वो इसकी रूपरेखा हो जाती है। मतलब कच्चे कच्चे टाँके से
दो कच्चे टाके की लाइन चली जा रही है, बीच बीच में कहीं कहीं बिंदी है, वो इसकी रूपरेखा में यूज करते हैं। और इसके जो डिजाइन होते हैं गवंती में, वो हाथी है, कमल है, तुलसी है, ये डिजाइंस हम गवंती कशीदा में यूज करते हैं। फिर दूसरे प्रकार की कसूती है कर्नाटक की कसूती मुर्गी। मुर्गी में सीढ़ी नुमा टाके होते हैं, इस तरह से चढ़ते रहते हैं, मतलब जो टाके होते हैं वो नियमित होते हैं, भाई एक यूं है फिर एक यूं है फिर एक यूं है, फिर नियमित है और समान रूप से है, एक यूं है एक यूं है, तो एक यूं है मतलब जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई, जितनी चौड़ाई उतनी, तो बिल्कुल नियमित होते हैं, बिल्कुल समान दूरी पर होते हैं, इसलिए एक समान दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सीढ़ी के रूप में टाके इसमें लिए जाते हैं और सीढ़ी नुमा होते हैं, और इसीलिए इसमें त्रिकोणाकार या फिर चौखाने आयताकार या फिर छोटे छोटे फूल डालकर इस तरह से डिजाइन बनाई जाती है ना, या तो तिकोना बना के या आयताकार बना के या फूल बना के, इस प्रकार एक बड़ा डिजाइन बना दिया जाता है, फूलों का, आयताकार का, त्रिकोणाकार, ये सब इसमें डिजाइन डाल दी जाती है और एक बड़ा डिजाइन बन जाता है। और जो मुर्गी कसूती है वो वस्त्र पर दोनों तरफ से उसके टांके एक समान दिखाई देते हैं। तीसरी तरह की कसूती है नेगी। नेगी कसूती में जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है छोटे से की जाती है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और बड़ा फिर वापस से छोटा 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 हो गया फिर बड़ा, तो मतलब जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो छोटे से लेके बड़ा तक फिर बड़े से वापस छोटे तक आ जाती है। और ये जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो या तो ताने ताने पे या तो बाने बाने पे, मतलब तिरछी डिजाइन हम नेगी में नहीं करते हैं। और इसमें बहुत लंबा धागा भी नहीं लेते, बहुत लंबा धागा लेंगे तो वो टूट जाएगा, तो बहुत ज़्यादा जो बड़ा धागा होता है वो भी एक लिमिटेड लंबाई का ही लिया जाता है। उसके अलावा इसमें जो नमूने होते हैं वो शेर, फूल, मोर, मोमबत्ती, हीरे, इन टाइप के डिज़ाइंस जो है वो नेगी में बनाई जाती है। चौथी प्रकार की कसूती है मेंथी। मेंथी जो कसूती है उसमें क्रॉस स्टिच जैसे बनाया जाता है, या फिर कह लो हेरिंग बोन जैसे, वो भी क्रॉस है, हेरिंग बोन थोड़ी बड़ी बड़ी भी होती है, क्रॉस तो थोड़ी छोटी छोटी होती है, तो क्रॉस स्टिच या हेरिंग बोन स्टिच जैसे मेंथी कसूती को बनाया जाता है। और इस मेंथी को फुलकारी और चिकनकारी कि जब बनाई एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, बस इसमें ये थोड़ी उभरी हुई डिज़ाइन लिए हुए होती है, मेंथी वाली डिज़ाइन। और मेंथी कसूती से हम जो नमूने बनाते हैं वो घोड़ा, शेर, हाथी, मानव आकृति, नाग देवता, सूरजमुखी, ये सारी जो डिज़ाइंस होती है वो मेंथी कसूती में पाई जाती है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो है कर्नाटक की कसूती, मतलब कर्नाटक में जो एम्ब्रॉयडरी होती है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध वो है कसूती। कसूती मतलब का यानी हाथ, सूती मतलब वस्त्र यानी कशीदाकारी। और कशीदाकारी जो है वो सूती वस्त्र पर भी होती है, चमड़े पर भी होती है, और इनके जो डिज़ाइंस होते हैं वो अधिकतर इनकी परंपरा को शो करते हैं, इनके व्यवसाय को शो करते हैं, इनके संस्कृति को शो करते हैं। और जब इनके नमूने बनाए जाते हैं तो धागों को गिनकर एक ही इकाई बनाकर फिर किया जाता है, और जो इकाई प्रारंभ में होती है वही अंत तक होती है, और ये बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म टाके लिए जाते हैं, इसलिए बहुत सूक्ष्म इसमें इसकी सुई होती है, इसीलिए सूक्ष्म सुई लेते हैं कि धागे को गिनकर धागे के बाद और पहले धागे के बाद के धागे के पहले में सुई निकाली जाती है, धागे के बीच में से फाड़ते हुए कभी भी सुई नहीं निकालते हैं। और कसूती कई प्रकार की होती है, जैसे गवंथी जो है उसमें दोहरा कच्चा टाका होता है, बीच में बिंदी जैसा होता है, तुलसी, हाथी, कमल जैसे डिजाइन बनाए जाते हैं, बहुत ही सरल और बहुत ही अधिक काम में ली जाती है गवंथी। और जब सीढ़ी नुमा टाके होते हैं समान रूप में, तिकोने, आयताकार, छोटे फूल, इस तरह से बना के एक बड़ा फूल बना देते हैं, तो मुर्गी कसूती बन जाती है। और नेगी कसूती में सबसे पहले छोटे टाके, फिर बड़े, फिर वापस से थोड़े छोटे, इस तरह से बनते हैं, और इनमें केवल ताने
या बाने पर ही बनते हैं, टेढ़े मतलब स्लांट में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनता है। शेर, मोर, मोमबत्ती, ये सब इनके नमूने होते हैं नेगी के। मेंथी जो होती है वो हेरिंग बोन या क्रॉस स्टिच जैसी बनती है और इसको फुलकारी और चिकनकारी में भी यूज़ करते हैं। थोड़ी सी उभरी हुई डिज़ाइन ली हुई होती है और इसमें हाथी, घोड़ा, शेर, मानव आकृति, नाग देवता, सूरजमुखी, ये सब जो डिज़ाइंस है वो मेंथी कसूती से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कर्नाटक की कसूती चार प्रकार की है, गवंती, मुर्गी, नेगी और मेंथी। अब हम नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी ले रहे हैं, राजस्थान की कढ़ाई। राजस्थान में वैसे कई प्रकार की कढ़ाई होती है और बहुत ही सूक्ष्म कढ़ाई होती है और कुछ कुछ जगह तो वो मोची का जो हुक्नुमा सुइया होता है उससे भी कढ़ाई होती है। और उससे क्या करते हैं कि जो धागा जो है वो तो उल्टी तरफ होता है और जो सुई है उसको ऊपर से नीचे डाल के और धागे को ऊपर खींचा जाता है। उस हुक्नुमे सुइये से अधिकतर जो वर्क किया जाता है वो आरी तारी का वर्क होता है और ये आरी तारी का वर्क कपड़ों पे, ब्लाउज, लहंगे, साड़ी, इन पे होता है या फिर जो वॉल हैंगिंग्स होती है उन पर होता है। उसके अलावा जो जूतियाँ बनती है, राजस्थान में बहुत अधिक जूतियों पर वर्क का प्रचलन है, वो भी इस सुइये से बनाया जाता है। उसके अलावा जो नमदे होते हैं उन पर भी आकर्षक डिज़ाइंस अजमेर, जयपुर, टोंक, बूंदी, इन्हीं से बनाए जाते हैं। और जो घोड़े को सजाने के लिए, ऊँट को सजाने के लिए, हाथी को सजाने के लिए ऊपर वस्त्र रखते हैं ना, उस वस्त्र पर भी राजस्थान में कढ़ाई होती है। कोई शंख, कोई मोती, चटकीले पैच, वो लगा लगा के उसको बहुत सुंदर सा वस्त्र बनाया जाता है। जयपुर में अधिकतर गोटा, पत्ती, जरी, इन सब के काम होते हैं। जोधपुर और अजमेर में बहुत ही सूक्ष्म कढ़ाई होती है और वो बहुत ही बहुमूल्य होती है। और अगर हम बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ देखें तो वहाँ जो कच्छ की कढ़ाई होती है वैसी कढ़ाई होती है, बहुत ही सूक्ष्म कढ़ाई वहाँ की जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान की कढ़ाई बहुत ही सूक्ष्म कढ़ाई होती है, बहुत तरह की होती है। अधिकतर हुक्नुमे सुइये के द्वारा, आरी तारी के वर्क के द्वारा, कि धागा अगर उल्टी तरफ है तो ऊपर से सुइया लेके और ऊपर की तरफ उसको निकाल लिया जाता है, वो आरी तारी के वर्क में भी किया जाता है। और अगर वो जूतियाँ वगैरह बनाते हैं उसमें भी उसी तरह से बनाया जाता है। और राजस्थान के अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, कोई नमदे पे कढ़ाई, कोई जूती पे कढ़ाई, कोई कपड़े पर, इस तरह से बनाई जाती है। तो इस तरह से ही कर्नाटक और राजस्थान की कढ़ाई के बारे में था। थैंक यू।